बनाकर गलत तरीके से जमीन को विक्रय कर बनामा कर दिया गया। क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा तत्काल एक समस्त ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत भूंगा के समस्त ग्रामीण एवं उपस्थित वार्ड मेंबर एवं गांव के प्रवासियों द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए, जो कि निम्नलिखित है। नंबर एक, सर्वसम्मति से 15/1/2023 को एक ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई गई, जो कि क्षेत्र पंचायत द्वारा आहूत की गई, जिसमें प्रधान जी को बैठक के बारे में बता दिया गया था, लेकिन ग्राम प्रधान जी ने बैठक में खुद उपस्थित न होकर या अपना कोई प्रतिनिधि न भेजकर ग्राम पंचायत पर लगे आरोपों को बल दे दिया, जिससे ग्रामीण जनता में आक्रोश है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि यदि ग्राम प्रधान द्वारा 15 दिन के अंदर लगे आरोपों को, क्योंकि टाइम देना हमारा भी फर्ज है, हो सकता है वो व्यस्त रहे हो ना आ सके हो, तो इसलिए उनको 15 दिन का टाइम दिया गया ग्राम बैठक में जो निर्णय लिया गया, और अपनी निष्पक्षता से 15 दिन के अंदर लगे आरोपों को अपनी निष्पक्षता से सिद्ध नहीं कर पाए तो 30/1/2023 को पूरी ग्राम सभा वासियों एवं उप प्रधान वार्ड मेंबर एवं समस्त ग्रामीणों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव देने का निर्णय लिया गया। क्या ये सहमत है सब? 15 दिन का टाइम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 15 दिन कानूनी प्रक्रिया जो होती है, 30 तक डेट दे दिया आपने, 15 दिन बहुत है। 15 दिन का देखो, एक हमारे भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 15 दिन ठीक है सर, तो आप सहमत है सब? नंबर दो, ग्राम पंचायत के अंतर्गत विकास कार्यों की समीक्षा करके ग्रामवासियों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, यदि उक्त आरोप सही पाए जाते हैं तो ग्रामीण अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बाध्य होंगे। जो भी विकास कार्य हुए हैं अभी तक, और अगर वो उन पे आरोप साबित हो गए, या वो उनको हो सकता है आरोप कोई आपसी जलसी में लगा रहे हो, ये भी हो सकता है कि मेरी व्यक्तिगत उनसे बन नहीं रहो, किसी ने आरोप ऐसे लगा दिया, तो उनको हमें 15 दिन का टाइम देना चाहिए ना। अगर वो हमारे प्रधान जी हैं तो उनको हमें भी टाइम देना चाहिए। तो ये दो नंबर पॉइंट हो गया। तीसरा, एक जो भाई देवदत्त जी हैं, इन्होंने स्पेशली ये लिखवाया है, देवदत्त भट्ट सन ऑफ स्वर्गीय श्री सूरजमणि भट्ट ग्राम सभा भूंगा वासी को स्वयं ग्राम प्रधान श्रीमती अनिता देवी ने धमकी दी है कि मेरे विरुद्ध जाओगे तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना, जिसको देवदत्त जी पर प्रधान जी ने कैसे मेरे को खुद फोन करके भी बोला कि मैं उनकी मीटिंग में नहीं आऊंगी। उन्होंने क्लियर बोला है कि मैं उनकी मीटिंग में नहीं आऊंगी। मेरे पास उसका क्या था, पूरा रिकॉर्डिंग है। हाँ रिकॉर्डिंग है, पूरा रिकॉर्डिंग है, सबको पता लगे। लेटर रूम साइन हुआ था, जो इन्होंने लेटर भेजा है ना कि आज के मीटिंग का, हो गया था नहीं उनके साथ में बढ़ते जाएंगे।